एक गिलास पानी। एक्सक्यूज मी, सॉरी, मुझे लगा मेरी ऑफिस वाली मेड ने आवाज दी मुझे, वो मैं काम कर रहा था तो मुझे लगा मैं ऑफिस में हूँ। इट्स ओके, हैव अ सीट। थैंक यू। वेटर, कुछ ऑर्डर करने लगे हो? नहीं नहीं, वो मैं लैपटॉप चार्ज लगाने के लिए बोलना था। हाँ, इसे चार्जिंग पे लगा दो। हेलो वर्ल्ड। हेलो, बट मेरा नाम वर्ल्ड नहीं है। आई नो नितिका, पर ये हमारा ट्रेडिशन है। लॉल। एक मिनट वेट। डन। मीटिंग? आई थॉट इट्स अ डेट। ओह हाँ, रुको अभी चेंज करता हूँ। नहीं नहीं, रहने दो, इट्स ओके। ओके। अच्छा, मैंने तुम्हारी प्रोफाइल देखी थी और उस पर लिखा था यू आर अ डेवलपर। यस, स्पेसिफिकली ब्लॉकचेन डेवलपर। ग्रेट, आई एम अ फ्लूटिस्ट। ओह, सो यू कैन कंट्रोल माय पाइथन। हां, कम ऑन यार, अच्छा जोक था। अच्छा, तुम पहले भी इस कैफे में आ चुके हो? हाँ, तुमसे पहले आकर यहाँ बैठा हूँ, सो उस हिसाब से तुमसे पहले ही आया हूँ। मेरा मतलब कि आज से पहले कभी? पर लास्ट टाइम कंपाइलेशन एरर आ गया था। तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर सच्ची खराब है। वो कैसे? क्योंकि तुम हर चीज में अपना प्रोफेशन डाल देते हो। तुम ही बताओ मैं क्या बात करूं। मेरे बारे में कोई बात करो। तुम्हारे बारे में? तुम्हारी आंखें। क्या? तुम्हारी आंखें इतनी बड़ी है कि काजल का खर्चा काफी आ जाता होगा ना। तुमने आज से पहले किसी और को डेट की है? हाँ, किया था, बट वो रिलेशनशिप एक दो हफ्ते ही चला था। ऐसी बातें करोगे तो ऐसा ही होगा। यार, हम टिंडर से आगे नहीं बढ़ेंगे। आई मीन, मैंने तुम्हें इंस्टाग्राम पर रिक्वेस्ट भेजी थी, तुमने एक्सेप्ट ही नहीं की। अभी करती हूँ। नहीं नहीं, रहने दो। हो गई। ओके। यार, ये तुम वही ड्रेस पहन के आ गई हो जो लास्ट वीक में पहनी है। अच्छा, तुम अपने बारे में कुछ बताओ। तुम बताओ, तुम फ्लॉटिस्ट कैसे बनी? मैं ना, मतलब बचपन से ही बहुत पैशनेट हूँ म्यूजिक के लिए, और मेरा कोई इटर्नल रिलेशन है फ्लूट के साथ। तुम बताओ। पैशन से भी कोई करियर चूज करता है? अब मुझे ही ले लो, वॉचिंग मूवीज इज माई पैशन, बट इट्स नॉट माई करियर। 10th में 98% तो मॉम डैड ने नॉन मेडिकल ले दिया, और फिर जेई का अच्छा स्कोर आ गया तो कंप्यूटर साइंस ले ली। ओके, गुड जॉब। तुम बताओ, तुम बिटकॉइन पे काम करते हो? नहीं यार, बिटकॉइन एंड ब्लॉकचेन अलग चीज है। बिटकॉइन ब्लॉकचेन यूज करता है, एंड ब्लॉकचेन के बिटकॉइन के अलावा भी कई यूज केसेस है। जैसे कि? जैसे ब्लॉकचेन को डाटा मैनेजमेंट, रिकॉर्ड कीपिंग के लिए यूज करते हैं। जैसे अभी रिसेंटली IIT ने अपनी डिग्रीज ब्लॉकचेन पर इशू की है। पर गवर्नमेंट तो क्रिप्टो करेंसी के अगेंस्ट है ना? क्रिप्टो करेंसी के अगेंस्ट हो सकती है, पर ब्लॉकचेन तो प्रो ही है ना। मतलब? अब जैसे अनमेरिड होके ओयो में जाना गलत है, पर शादी के बाद तो गवर्नमेंट भी नहीं रोक सकती ना। लगता है ओयो जाते रहते हो, काफी नॉलेज है तुम्हें उसके बारे में। और क्या, मैंने तो कल के लिए भी रूम बुक कर रखा है। फिर भी आज मुझे डेट कर रहे हो? हाँ, आज तुम्हारे साथ डेट पे, कल ओयो में क्लाइंट के साथ मीटिंग, और फिर कल उस क्लाइंट के साथ ओयो में। नहीं नहीं नहीं, आई थिंक तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं शांति की बात कर रहा हूँ, मुझे डिस्टरबेंस पसंद नहीं है। तो तुम मुझे बता सकते हो कि बिटकॉइन का प्राइस बढ़ेगा या कम होगा? नॉट अगेन। नहीं यार, यार हमें नहीं पता होता ये सब। तो क्या फायदा है इसी जॉब का? डू यू एंजॉय योर वर्क? मतलब एक ही जगह पे बैठे रहना मोनोटोनस नहीं हो जाता? मोनोटोनस नहीं है, काफी अलग चीजें होती है। रोज नए टास्क होते हैं यहाँ भी, तुम्हारे जॉब की तरह। बाकी एंजॉय का ऐसा है कि कोड एरर ना दे तो एंजॉय, और अगर दे दे तो नहीं। तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर इतना भी खराब नहीं है। थैंक्स। आई थिंक हमें ऐसी और भी मीटिंग सेटअप करनी चाहिए, सो दैट वी कैन नो ईच अदर बेटर। ऑब्वियसली,
अरे पहला वर्जन तो एप्लीकेशन का स्टेबल नहीं रहता, ये तो रिलेशनशिप है। क्वाइट इम्प्रेसिव, काफी इंटेलिजेंट हो तुम, आखिर ब्लॉकचेन इंजीनियर जो स्मार्ट तो हो गई। अरे इसमें इंजीनियर वाली क्या बात है, ये तो कॉमन सेंस है ना। हाँ पर सब में नहीं होती ना। I know this might sound dumb, but ये blockchain exactly है क्या? Look, बहुत simple है। Blockchain एक digital database है, जिसमें हम data को छोटे-छोटे blocks में save करते हैं और फिर जोड़ देते हैं और फिर उन्हें अलग-अलग लोगों के पास store करते हैं। तो इसका normal database से क्या फायदा है? Since ये database distributed है, मतलब कि अलग-अलग लोगों के पास stored है, तो इसे कोई change नहीं कर सकता। Hence ज्यादा ट्रस्टेड है और डिसेंट्रलाइज्ड भी, क्योंकि इसे कोई सेंट्रल करैक्टर कंट्रोल नहीं कर सकता। ग्रेट, अब मुझे भी तुम इंटरेस्टिंग लगने लगे हो और तुम्हारा काम भी। तुम्हें कोर्स भेज दूं कोडिंग का, सीख लो फिर मेरी कंपनी में जॉब ले लेना, और अगर कंपनी में नहीं तो ओयो में चल लिया करेंगे शांति में बैठकर काम करने के लिए। और वैसे भी ब्लॉकचेन इंजीनियर्स की कमी है। ओयो तो नहीं, बट तुम्हारी कंपनी ज्वाइन करने का सोच सकती हूँ और तुम्हें रेफरल बोनस भी मिल जाएगा। इतने भी डम नहीं हो तुम। बिल्कुल भी नहीं, एंड आई वाज जस्ट जोकिंग। बाकी मुझे मेरा काम और प्रोफेशन बहुत पसंद है। निधिका, नेक्स्ट कब मिल रहे हैं? जब तुम्हारा कंपाइलर एरर नहीं देगा। उसका वेट नहीं होगा, संडे मिले? श्योरली। ये तो मान गई, अब आप भी मान जाओ और जाकर इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो। और पिछली वीडियोस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए और जाकर पुरानी वीडियोस देखिए। और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू।